नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी टुडे न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि रेलवे में आ चुकी है बम्पर भर्तियां। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय रेलवे की नई बम्पर भर्तियों के बारे में, जो कि इस साल 2023 की नई भर्तियां हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, भारतीय रेलवे की तरफ से 2023 की नई भर्तियों की सूचना जारी हो चुकी है। दोस्तों यहां पर अलग अलग पदों पर भर्तियां निकाली जा रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, टिकट कलेक्टर के पद आ चुके हैं, बुकिंग क्लर्क की वैकेंसी आ चुकी है, गुड गार्ड्स की वैकेंसी आ चुकी है और ग्रुप डी के पदों पर भी भर्ती आ चुकी है। तो दोस्तों यहां पर अलग अलग पदों पर नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं बंपर भर्तियों के, और आप देख सकते हैं कक्षा 10वीं पास से लेकर के 12वीं पास और ग्रेजुएट पास सभी अभ्यर्थी जो है आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, हम आपको इन भर्तियों की तमाम जानकारी देंगे स्टेप बाय स्टेप। जी हाँ दोस्तों, पूरी भर्तियों की जानकारी आपको देंगे कि इन भर्तियों के लिए योग्यता क्या रखी गई है, कौन कौन से विद्यार्थी पात्र होंगे, चयन प्रक्रिया क्या होगी, आवेदन कब से कब तक चलेंगे, संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। रोजाना इसी प्रकार रेलवे भर्ती और सरकारी नौकरी की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है। और लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे नई भर्ती 2023 के बारे में। दोस्तों इन भर्तियों के आवेदन जो है आप देख सकते हैं 10 फरवरी तक चलेंगे, तो 10 फरवरी 2023 से पहले आपको अप्लाई कर लेना है, ठीक है। वही दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं टिकट कलेक्टर टीसी की जो वैकेंसी है उसके लिए 12वीं पास कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। 37,000 रुपए महीना आपको सैलरी मिल रही है। ऑल इंडिया की ये भर्तियां निकाली जा रही है, पूरे भारत से आवेदन कर सकते हैं, पूरे भारत से आवेदन मांगे जा रहे हैं। बुकिंग कलर के पदों पर आप देख सकते हैं 12वीं पास के लिए भर्ती है, 27,000 रुपए महीना वेतन मिलेगा। गुड्स गार्ड्स की जो वैकेंसी है उसके लिए ग्रेजुएट पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, लगभग 65,000 रुपए महीना आपको वेतन मिलेगा। ग्रुप डी की जो भर्ती है उसके लिए 10वीं पास कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं, 25,000 रुपए महीना आपको वेतन मिलेगा। तो चलिए आपको डिटेल्स में जानकारी देते हैं सीधा ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। हमारी जो नंबर वन वेबसाइट है वो है सरकारी टुडे news.com और दूसरे नंबर की जो वेबसाइट है वो है neovoltaic.co.in। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, हम आ चुके हैं सरकारी टुडे news.com की ऑफिशियल वेबसाइट पर और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आज की रेलवे की बंपर वैकेंसी के बारे में। दोस्तों इंडियन रेलवे की तरफ से जो भर्ती निकाली गई है इस साल 2023 की, वो आप देख सकते हैं अलग अलग पदों पर नई भर्ती है। यहां पर जो पद है टिकट कलेक्टर के टीसी के पद है, गुड्स गार्ड्स के पद है, स्टेशन मास्टर के हैं, बुकिंग क्लर्क के हैं और ग्रुप डी के पद हैं। लगभग 27,500 से अधिक पदों पर ये भर्ती निकाली जा रही है इस साल 2023 की और इसके आवेदन आपसे ऑनलाइन मांगे जाएंगे। ऑल इंडिया की ये भर्ती है, भारत के किसी भी राज्य या जिले में आप रहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं आप सभी। सैलरी आपको 21,700 से 81,000 रुपए महीना मिलेगी। चयन प्रक्रिया में सीबीडी टेस्ट आपका होगा, उसके बाद पीटी होगा, उसके बाद मेडिकल टेस्ट, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। उम्र सीमा जो है कम से कम 18 है, अधिकतम जो है 35 है। इसके अलावा रिलैक्सेशन है, आयु सीमा में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 10वीं पास, 12वीं पास और एनी ग्रेजुएट पास यानी कि स्नातक पास कैंडिडेट्स जो है आवेदन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट लिंक्स में आपको अप्लाई करने का नोटिफिकेशन का लिंक यहां पर दिया गया है, बाकी सभी जानकारी जो है आप इंडियन रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट से भी ले सकते हैं। यहां पर आपको नोटिफिकेशन दिए गए हैं, यहां से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। बाकी अलग अलग जोन से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप अहमदाबाद से हैं तो अहमदाबाद से अप्लाई कर सकते हैं, अजमेर से हैं, अलाहाबाद से हैं, बैंगलोर से हैं, भोपाल से हैं, भुवनेश्वर से हैं, कहीं से भी अप्लाई करना चाहते हैं तो यहां पर लिंक दिए गए हैं रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट से, यहां पर आप डायरेक्टली क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए आपको अहमदाबाद के लिए अप्लाई करना है तो यहां पर आपको लिंक मिल जाएगा जिस पर आप क्लिक करके डायरेक्टली अप्लाई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी इंडियन रेलवे की नई भर्तियों की जानकारी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।